सूरज बड़े जाते की फिल्मों में ऐसा परिवार दिखाया जाता है जो तन मन धन से खुश है, किसी तरह का मन मुटाव नहीं है और नैतिकता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस परिवार से एकदम विपरीत है कनु बहल की फिल्म तितली का परिवार। और जी हमारे यहाँ जो फैमिली कहती है ना, वही सच होता है। हमारा एक फैमिली बिजनेस है अच्छा खासा। निकाल निकाल, नहीं रुक रही। जो अभाव में जी रहा है, इस परिवार के लिए जिंदगी बदसूरत है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन्हें जद्दोजहद करना पड़ती है और वे जानवर बन जाते हैं। पर्दे पर उनके कारनामों को देख सिनेमा हॉल में बैठे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनकी मौजूदगी खतरे का एहसास कराती है। दिल्ली में रहने वाले तीन भाइयों में से सबसे छोटे का नाम तितली है। उसकी माँ को लड़की चाहिए थी, लेकिन जब तीसरी बार भी लड़का हो गया तो माँ ने लड़की वाला नाम रखकर ही काम चला लिया। विक्रम और बावला उसके बड़े भाई हैं। छोटी मोटी नौकरी से इनका गुजारा नहीं होता, इसलिए ये दोनों भाई हाईवे पर लोगों को लूटते हैं। जो मिलता है सारे प्यार से मिल बांट के खा लेते हैं। तितली भी कभी कभी उनका साथ देता है, लेकिन वह इस नरक की जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता है। जब दोनों भाइयों को इसकी भनक लगती है तो वे तितली की नीलू से शादी करा देते हैं ताकि तितली घर छोड़कर नहीं जाए। साथ ही उन्हें अपनी टीम में एक लड़की की भी जरूरत थी, इसलिए वे नीलू को भी इसमें शामिल करते हैं, लेकिन नीलू इसके खिलाफ है। नीलू की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई है और वह प्रिंस को चाहती है। तितली और नीलू में एक डील होती है ताकि वे दोनों इस नारकीय जीवन से आजादी पा सके। कितने पैसे लेगा? 3 लाख। कनु बहल और शरद कटारिया ने मिलकर यह कहानी लिखी है जो जिंदगी में बढ़ रही असमानता और आने वाले भयावह भविष्य की ओर इशारा करती है। समाज में अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही है और इसके दुष्परिणाम क्या होंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस चौड़ी खाई के कारण भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। चमचमाते शॉपिंग मॉल्स और दमकते हाईवे के नीचे की गंदगी सतह पर कभी भी आ सकती है। फिल्म में दिखाया गया है कि परिवार के ये लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियां बुरी हैं, जिसके कारण ये घिनौने होते जा रहे हैं। पैसों के लिए वे किसी का खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पत्नी हाथ तोड़वाने और पति हाथ तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पति अपने सामने पत्नी को दूसरे की बाहों में देखना भी कबूल कर लेता है। फिल्म में थूकने और उल्टी करने के दृश्यों से उपकाइयां आती है, लेकिन जिस तरीके से यह परिवार रहता है और हरकतें करता है उसको देखकर भी कुछ लोगों को उपकाइयां आ सकती है। निर्देशक कनु बहल ने फिल्म को एकदम रियल रखा है और यह वास्तविकता ही आपको विचलित करती है। उन्होंने एक परिवार का जीवन आपके सामने उठाकर रख दिया है और दर्शकों को समझने के लिए काफी चीजें छोड़ दी हैं। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं के बराबर है, वातावरण में आने वाली आवाजों को जगह दी गई है, जिससे फिल्म की विश्वसनीयता और बढ़ गई है। कमी इस बात की लगती है कि फिल्म में एक भी सकारात्मक किरदार नहीं है। जिंदगी अभी इतनी बुरी भी नहीं हुई है कि कोई भला आदमी ही नहीं हो। हालांकि फिल्म के अंत में नीलू और तितली सारी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत का फैसला करते हैं और फिल्म आशावादी संदेश के साथ खत्म होती है। तेरा नाम तितली क्यों रखा? हाथी, चीता, घोड़ा कुछ भी रख देते। सभी कलाकारों का अभिनय ऊंचे दर्जे का है, लगता ही नहीं कि कोई एक्टिंग कर रहा है। रणवीर शोरी को छोड़ बाकी कलाकार अपरिचित हैं और यह स्क्रिप्ट की डिमांड भी थी। रणवीर शोरी, शशांक अरोरा, अमित सियाल, शिवानी रघुवंशी सहित सभी ने अपने किरदारों को बखूबी पकड़ा है। तितली जैसी फिल्म देखना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सच कड़वा और कठोर होता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देता हूँ।